जिला मुख्यालय रायसेन में बन रही फोर लेन सड़क का चौड़ीकरण का निरीक्षण करने पहुंचे पीडब्ल्यूडी भोपाल के अधीक्षण यंत्री योगेंद्र कुमार से सर्किट हाउस में मीडिया कर्मियों ने सवाल खड़े किए। केंद्रीय प्रयोगशाला भोपाल की टीम द्वारा किए गए जांच सैंपल पर संदेह। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों पर सड़क निर्माण में भारी अनियमितताओं के खुले आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की मंशा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर निर्माण विकास कार्य कराए जाए, लेकिन सड़कों के निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। इसमें रोड का निर्माण कोरोना काल से चल रहा है, स्टार्ट हुआ था, लगातार रोड का काम चल रहा है, मगर रोड का इतना घटिया निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है कि जो बिल्कुल गुणवत्ताहीन है। और सो के दिन हम यहाँ से निकले और हमने रोड तो रोड डल रहा था, उसकी जो गिट्टी उठा के देखी तो उसका एक मापदंड है कि वो 100% होना चाहिए, वो कोई 100% नहीं रहा, तो हाथ में ऐसे आ रहे रोड का रोड है। जिस दिन से चालू हुआ है, ये हमारे जो माननीय विधायक जी हैं राम चौधरी और मंत्री, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट सरकार का मेन लक्ष्य है कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी निर्मित हो, क्योंकि ये नगर की प्रमुख सड़क है। लेकिन प्रायः देखा जा रहा है कि इतना घटिया निर्माण कर रहा है। पिछले 2 साल से हम लोग इस रोड के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जब कोरोना का समय था उस समय से लेकर आज तक हम लगातार इस रोड के लिए लड़ते रहे। जैसा कि इसकी घोषणा आदरणीय कमलनाथ जी की गवर्नमेंट में हुई, हमारे क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी लगातार 2 साल से चुप है। न जाने ऐसा कौन सा खेल है जिसके लिए हमारे क्षेत्रीय विधायक और मध्य प्रदेश सांसद में मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी को हर अधिकारी का गठजोड़ है। हर अधिकारी का इस रोड से हम जब भी जाते हैं और बात करते हैं तो अधिकारी केवल अपना पल्ला टाइम निरीक्षण हो रहा है, किसी भी प्रकार की जांच की कोई मतलब शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और हर महीने निरीक्षण करते हैं, उसका निरीक्षण कर रहे हैं, तो काम को जो है निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार करवाया जाए।